हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेंस, नीट एग्जामिनेशन और सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, वो वेबिनार करने वाले थे, लाइव आने वाले थे और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि उनका जवाब देने वाले थे कि एग्जामिनेशन कब होगा, कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन कब होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था उनके ट्विटर हैंडल पर। तो उम्मीद है कि जो न्यूज़ आज निकल के आई है, मतलब यानी कि 2 दिसंबर को निकल के आई है, उसमें कहा गया कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो आज लाइव आने वाले थे ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे, तो वो आज लाइव नहीं आ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्यों नहीं लाइव आ रहे हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है, और साथ में कब वो लाइव फिर से आएंगे इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया अपने ट्विटर हैंडल से। तो इसके रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है आप सभी को देने वाला हूँ। जेई मेंस नीट एग्जामिनेशन कब हो सकता है इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, तो वीडियो कंप्लीट इंटर देखते रहना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लो @PallavasuFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी लाइव आने वाले थे 3 दिसंबर को, यानी कि आज के दिन, और वो जितने भी क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा पूछे गए थे उनका जवाब देने वाले थे, और साथ में सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट्स हैं, जेईई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन के डेट्स हैं, वो भी अनाउंस करने वाले थे। लेकिन अब ये 10 दिसंबर को होगा, 3 दिसंबर के बदले 10 दिसंबर को होगा। एज बोर्ड एंड नेशनल टेस्ट एजेंसी तैयार हो रही है 2021 एग्जामिनेशन के लिए 21 एकेडमिक कैलेंडर, जो आपका अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बिगेस्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा, जेईई मेंस और नीट का एग्जामिनेशन कब होगा। तो इसके ऊपर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अब जो नेक्स्ट लाइव आएंगे, जो 3 दिसंबर को उन्होंने लाइव नहीं किया, अब वो 10 दिसंबर को ट्विटर और फेसबुक पे लाइव आएंगे और जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं उनका जवाब देने वाले हैं। टाइमिंग की अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 10 दिसंबर को ट्विटर और फेसबुक के जरिए वो लाइव आके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। इससे पहले उन्होंने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, सजेशन, ओपिनियंस, स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स के मांगे थे, और आप अपना ओपिनियन, सजेशन शेयर कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हो #EducationMinisterGoLive, वहाँ पे आप ट्वीट करके उनको सजेशन दे सकते हो, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप उनके ट्विटर हैंडल से, मैं उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आपको लेके जाऊंगा और किस तरह से आपको पूछना है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये उनका ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो डियर ऑल, 2020 हैज बीन अ ग्रेट मेनी चेंजेस लाइक एडजस्टिंग टू ऑनलाइन एजुकेशन, अडेप्टिंग टू न्यू नॉर्मल, हैप्पी टू शेयर दैट आई एम गोइंग टू लाइव ऑन December 10 टू टॉक अबाउट अपकमिंग कम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम विथ यू, ड्रॉप योर कंसर्न्स बिलो यूजिंग #EducationMinisterGoLive गोज लाइव। तो इस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हो, साथ में सजेशन भेज सकते हो। उन्होंने कहा है कि जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसके ऊपर वो घोषणा करने वाले हैं। तो वो आपको 10 दिसंबर को लाइव मिलेंगे अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक से। देख सकते हो यहाँ पे, वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ सजेशन फ्रॉम यू ऑन अपकमिंग कम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम। तो आप भी जो क्वेश्चंस है वो भेज सकते हो। और उन्होंने जो वेबिनार की जो लाइव करने वाले थे वो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। अब देखो, टाइम्स नाउ जो न्यूज़ है उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें 56% जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वोट किया और कहा कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन मई में होने चाहिए। साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, टीचर्स ने भी कहा कि जो टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, और जब तक फिजिकल क्लासेस ना हो तब तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहिए। तो मे बी उम्मीद की जा रही है कि जब वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीन कब तक आएगा इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे अच्छे खबर आई है, वैक्सीन जल्दी रिलीज होगा। क्लासेस कब से ओपन होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि जब फिजिकली क्लास हो तब उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन लेना चाहिए। तो ये कितना सच होता है वो जब एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे इसके ऊपर भी बात होगी। एज फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि जो सिलेबस है उसको कम करना चाहिए और एग्जामिनेशन डेट्स में भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सिलेबस बहुत सारे बच्चों के कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके ऊपर एनटीए भी सोच विचार है वो कर रही है। लास्ट अपडेट फ्रॉम एनटीए हैड सजेस्टेड दैट जेईई मेन 2021 जनवरी एग्जामिनेशन में बी पुश्ड टिल फरवरी
एंड दैट द रजिस्ट्रेशन वुड कमेंस फ्रॉम दिसंबर फर्स्ट वीक। आपको पता है जेई मेंस का एग्जामिनेशन जनवरी में होता है, लेकिन 2021 में फरवरी के लास्ट में हो सकता है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जो अभी वीक चल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, वो सोशल मीडिया पे आके आपको 10 दिसंबर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वो और वेबिनार देखना आप मत भूलना, और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।